अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने कांकेर जिला की महिला पर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में अपराध कायम किया है। दरअसल कोरिया जिला में पदस्थ पुलिस निरीक्षक विमलेश दुबे पर एक महिला ने खुद को पत्नी बताकर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक सरगुजा को व्हाट्सएप में लिखित आवेदन के साथ भेजा था, जिसमें पुलिस निरीक्षक की हो रही शादी को रुकवाने की शिकायत की गई थी, जिस पर विमलेश दुबे ने RTI के जरिए कूट रचना की फर्जी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के दस्तावेज हासिल कर न्यायालय में पेश किए हैं, जिसके बाद न्यायालय ने प्रथम सूचना पत्र पर पुलिस को महिला के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। यहाँ पे CGM कोर्ट में एक परिवार लगाया था, जिस पर माननीय CGM साहब ने एक आदेश दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने सुनी बाद में कहा है कि इनके द्वारा आवेदक से 20 से 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और इन्होंने जो शादी के संबंध में जो दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं वो हस्ताक्षर युक्त नहीं है, तो इसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना दर्शित होता है। तो उन्होंने थाना प्रभारी को यह आदेश दिया हुआ है कि इसमें 419, 420, 384, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध करें और 6 मार्च से पहले इसमें रिपोर्ट अपने उनके पास प्रस्तुत करने के संबंध में। तो इसी संबंध में FIR दर्ज किया गया है हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में और हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के बाद में अंतिम प्रतिवेदन जो है माननीय CGM साहब के कोर्ट में पेश करेंगे।